नमस्कार, मैं उप्रिया। आज है 18 जुलाई। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 23,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते दिन जारी किए गए अपडेट के अनुसार राज्य में प्रभावितों की संख्या 23,300 पर पहुंच गई है। वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 14,997 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ 173 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार के कई जिलों में 18 से 20 जुलाई के बीच बारिश की जताई गई संभावना। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान जारी करते हुए बिहार के कई जिलों में 18 से 20 जुलाई तक बारिश की संभावना जताई है, जिसके तहत बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी इस बात की जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज जिले में 18 से 20 जुलाई के बीच में बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में 20 जुलाई तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। जिसके साथ ही जल संसाधन विभाग ने बागमती नदी के जलस्तर में हो रही गिरावट की भी जानकारी दी है। RMRI के एक साइंटिस्ट समेत 8 टेक्नीशियन निकले कोविड-19 पॉजिटिव। RMRI के एक साइंटिस्ट समेत 8 टेक्नीशियन बीते दिन कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद वहां कोविड-19 जांच को फिलहाल रोक दिया गया है। RMRI के निदेशक प्रदीप दास ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि एक वैज्ञानिक समेत 9 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इस कारण से सैंपल की जाँच को रोका जा चुका है और 19 जुलाई तक यहाँ पर कोई सैंपल की जाँच नहीं की जाएगी, यानी कि RMRI में जाँच की प्रक्रिया दोबारा से सोमवार से शुरू होगी। पटना एयरपोर्ट पर प्रॉपर मेडिकल स्क्रीनिंग के साथ ही रोड पर गाड़ी लगाने वालों का कटेगा चलान। पटना एयरपोर्ट के बाहर कुछ आवश्यक बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग पूरी अच्छी तरीके से की जाएगी, क्योंकि कोविड-19 के मामले लगातार बिहार में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बाहर से आने वाले यात्रियों की खास जाँच की जाएगी। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट को जाने वाली मुख्य सड़क के साइड पर वाहनों की पार्किंग से मना कर दिया गया है। एयरपोर्ट के पास जो भी सड़क के किनारे बाहर लगाते हैं उनका ई चलान काटा जाएगा। बिहार के 15 जिलों के स्टेशन पर लगाए जाएंगे कोविड केयर कोच। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे बिहार की मदद के लिए सामने आया है, जिसके तहत रेलवे ने ट्रेनों की बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया है, जिसके बाद अब बिहार के 15 स्टेशन पर प्रति स्टेशन 20-20 की संख्या में कुल मिलाकर 300 आइसोलेशन कोच लगाने का निर्णय लिया गया है, ताकि कोविड-19 संदिग्धों के इलाज वहां पर की जा सके। जिसके लिए अब बिहार के पटना, सोनपुर, नरकटियागंज, जयनगर, रक्सौल, बरौनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सिवान, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, छपरा, कटिहार और भागलपुर स्टेशन पर कोविड केयर कोच को लगाया जाएगा। बिहार में प्लाज्मा डोनेट करने वालों को मिलेगा प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह। बिहार में बेकाबू हो रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए जान गंवाने वालों की संख्या को नियंत्रण में लाने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने जिलों के DM और पटना एम्स प्रशासन और डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके प्लाज्मा डोनेशन के लिए लोगों से आगे आने की अपील की है। हालांकि यह प्लाज्मा डोनेट करने वालों को प्रमंडलीय आयुक्त ने कोविड-19 योद्धा का प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह दिए जाने की बात कही है। प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोगों को साल भर के अंदर परिवार को कभी भी चिकित्सीय सेवा की अगर आवश्यकता होती है तो भी हर मुमकिन सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रतन राजपूत की। टीवी की दुनिया से कई भूमिकाओं को निभाकर घर घर पहचान बनाने वाली रतन राजपूत का जन्म बिहार में हुआ था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, रतन राजपूत 20 अप्रैल 1987 में बिहार के समस्तीपुर जिले में जन्मी थी। रतन राजपूत के पिता राज्य सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद से रिटायर हो चुके हैं। रतन राजपूत अपनी 5 बहनों में सबसे छोटी है। रतन अपनी पढ़ाई यूपी के मेरठ शहर से की थी। पढ़ाई के बाद रतन अपने फैशन डिजाइनर बहन के पास दिल्ली चली गई थी, जहाँ थिएटर से जुड़ गई। वहीं उनकी एक्टिंग की शुरुआत हुई थी। रतन अपने एक्टिंग करियर में राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी, अगले जन्म मोहे बिटिया है दीजो समेत कई सीरियल में काम किया था। बिहार के 20 लाख निबंधन करा चुके किसानों को मिलेगी फसल सहायता योजना की राशि। निबंधन करा चुके बिहार के 20 लाख किसानों को गेहूं सहित रबी फसलों के नुकसान के लिए फसल सहायता योजना की राशि अगस्त के अंत तक भेजी जाएगी। सभी जिलों ने पंचायत से फसल कटने के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि 10 दिन के अंदर सांख्यिकी निदेशालय से रिपोर्ट सहकारिता विभाग को मिल जाएगी। विभाग अपने स्तर पर जांच करके किसानों के खाते में राशि भेजना शुरू कर देगा। आपको बता दें, किसानों की मदद के लिए पंचायतवार पर फसल क्षति का आकलन कर फसल सहायता राशि देने का सरकार ने प्रावधान बनाया है। भागलपुर में जल्द ही बनने जा रहा है देश का सबसे लंबा रेल पुल। भागलपुर वासियों के लिए जल्द ही 24 किलोमीटर लंबा रेल पुल का निर्माण किया जाना है। मिली जानकारी के अनुसार गंगा नदी पर भागलपुर जिले के विक्रमशिला कटारिया के बीच में बनने वाला रेल
सह सड़क पुल के निर्माण की कवायद तेज कर दी गई है। पुल की डिजाइनिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, साथ ही दिसंबर महीने में इसकी निविदा निकाली जाएगी, उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इस पुल के बन जाने के बाद यह देश का सबसे बड़ा पुल होगा, क्योंकि इसकी लंबाई लगभग 24 किलोमीटर होगी, जिसके परिणाम स्वरूप यह पुल का एक छोर बटेश्वर स्थान कहलगांव और दूसरा नवगछिया कटिहार रेलखंड के कटोरिया स्टेशन के पास मिलेगा। लालू यादव ने भोजपुरी में ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाया आरोप। बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक के बाद एक आरोप लगाए हैं, जिसके तहत उन्होंने भोजपुरी में ट्वीट करते हुए लिखा, है नीतीश, लगभग 4 महीना हो गई बंदी के, जनता में त्राहिमाम बा, रोजी रोटी जानमाल पर आफत बा, तो हर राज्य में बेरोजगारी भ्रष्टाचार अत्याचार चरम पर बा, 4 महीने से अपन बंगला से 4 बार भी बाहर ना निकले, लुका छुपी से कोरोना ना भागे, जब सेनापति मैदान छोड़ के भाग रहे तो कैसे हुई। गंडक में आए सैलाब के कारण झोपड़ी के ऊपर मझधार में 5 दिनों तक फंसा रहा युवक। सदर प्रखंड क्षेत्र में तटबंध के अंदर बसे गांव हर तरफ से बाढ़ की परेशानी का मंजर देख रहे हैं। सैकड़ों झोपड़ियां और पक्के मकान नदी के कारण बर्बाद हो चुके हैं। वहीं इसी दौरान एक युवक के फंसे होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। दरअसल चारों तरफ पानी ही पानी था और वो युवक अपनी झोपड़ी पर 5 दिन में शरण लेकर बैठा था। पंचायत के मुखिया राजेश कुमार सैनी के मुताबिक वो अपने पास के गांव में जनरेटर लगाकर घंटे की धारा में अंदर जा रहे थे। इसी क्रम में वे अपने नाव से कटराव, हीरा, पकड़ा समेत कई स्थानों का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान गंडक के बीच मझधार में एक युवक लगातार मदद की गुहार लगा रहा था। इसके तुरंत बाद नाव पर बिठाकर जटरी टोला स्थित राहत शिविर में उसे पहुंचाया गया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दल हुआ एकजुट। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से लगातार जारी है। विपक्षी पार्टी चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव पर गंभीरता से विचार लेने की मांग कर रही है। इसी क्रम में विपक्षी दल ने इंक्लिनेशन कमीशन को एक ज्ञापन भी सौंप दिया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक के बाद तमाम दलों ने नई योजना बनाई है, जिसके बाद तमाम विपक्षी दलों की एकजुटता एक बार देखने को मिली है। बिहार की 9 पार्टियों ने मिलकर दिल्ली के क्लब में बैठक की है, जिसमें चुनाव को लेकर फिर से सोच विचार करने की अपील की गई है। केंद्रीय टीम बिहार को कोविड-19 से बचाने के लिए जल्द ही आ सकती है बिहार। बिहार में कोविड-19 के बेलगाम बढ़ रहे मामलों का जायजा लेने केंद्रीय टीम रविवार को बिहार पहुंचने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम बिहार आएगी, जो कोविड-19 जांच और स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को लेकर स्वास्थ्य सचिव, विशेष कार्य अधिकारी एवं संयुक्त सचिव के साथ अलग अलग बैठक की है। बैठक के बाद संयुक्त सचिव के नेतृत्व में टीम भेजने का निर्णय लिया गया है। दरभंगा में बागमती नदी के तटबंध के टूटने की खबर को बताया गया गलत। दरभंगा के केवटी अंचल में बागमती नदी के तटबंध टूटने की खबर को गलत बताया गया है। तटबंध को 3 जगह से पानी के रिसाव होने और 2 जगह पर पानी ओवरफ्लो होने के कारण आसपास के गांव के कुछ इलाकों में पानी फैल गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज ने इस बात की पुष्टि की है, साथ ही स्थल का जायजा भी लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद भी किया है। उन्होंने कहा कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा 2 जगह पर तटबंध टूटने की खबर प्रसारित की जा रही थी, जो पूरी तरीके से गलत है। बीएसईबी ने एडमिट कार्ड में गलती सुधारने का 21 जुलाई तक दिया आदेश। विद्यालय परीक्षा समिति ने साल 2021 में इंटर और मैट्रिक परीक्षा के लिए पंजीकृत छात्र छात्राओं को एडमिट कार्ड में त्रुटि सुधार करने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी छात्रों से 21 जुलाई तक का समय जारी किया गया है। हालांकि बोर्ड के इस आदेश पर शिक्षक संघ ने आपत्ति जताई है। शिक्षक संघ के प्रवक्ता ने परीक्षा समिति से सवाल पूछते हुए कहा है कि ऐसा कैसे संभव होगा कि छात्र बंद के दौरान एडमिट कार्ड में त्रुटि सुधार करवाएं। संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए सभी लोगों से घरों से नहीं निकलने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में यह फैसला तनाव देने का काम कर रही है। भाजपा सांसद रामकृपाल यादव और उनकी पत्नी आए कोविड-19 की चपेट में। भाजपा सांसद रामकृपाल यादव और उनकी पत्नी बीते दिन कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि उनके दोनों बेटे की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रामकृपाल की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनसे मिलने वालों की पहचान शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ रामकृपाल यादव और उनकी पत्नी को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। आरसीपी सिंह ने रोजगार के अवसर मुहैया करवाने को लेकर कही अहम बात। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा में दल के नेता आरसीपी सिंह ने गूगल मीट एवं फेसबुक लाइट के माध्यम से कुल 5 पारियों में जदयू के 5 प्रकोष्ठ के साथ संवाद किया है। संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि बुनकर क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। बड़ी बात यह है कि रोजगार आपके दरवाजे से संभव है। वहीं जल श्रमिक प्रकोष्ठ के साथ संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज को न केवल सशक्त किया है, बल्कि समाज में नेतृत्व उभारने की भी कोशिश की है।
चुनाव आयोग के फिजिकल ट्रेनिंग का हुआ समापन। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने राज्य स्तरीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का समापन कर दिया है। इसी दौरान राज्य स्तर के अधिकारियों ने जिलों के RO और सहायक निर्वाचित पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग कार्यक्रम 3 समूह बनाकर चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक समूह को 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई है, जिसकी पूरी जानकारी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गोपाल मीणा ने दी है और बताया है कि इस दौरान सभी अधिकारियों को चुनाव संबंधी तमाम बारीकियों की जानकारी दी गई है। पहले दिन 6 लोगों द्वारा डोनेट किए गए प्लाज्मा के बाद बीते दिन से शुरू हुई पूरी प्रक्रिया। राजधानी पटना के डिविजनल कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल की नई पहल रंग लाती नजर आ रही है। पटना गेम्स में डोनेशन की शुरुआत बिहार में हो चुकी है, जिसके बाद बीते दिन से ऑपरेट करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसके तहत पहले दिन 9 लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए अलग अलग जोन से पटना एम्स पहुंचे थे, जिसके बाद नालंदा के 2, खगड़िया बक्सर बेगूसराय के 1-1 डोनर ने प्लाज्मा डोनेट किया है। डिविजनल कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने इस बात की पुष्टि की है, हालांकि 3 लोग जांच के पैरामीटर में सही साबित नहीं पाए गए थे, इसीलिए सिर्फ 6 लोगों का ही प्लाज्मा लिया गया है। रोहतास से ग्रामीण ने श्रमदान से बनाई 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क। सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाए जाने के साथ ही सरकारी उदासीनता को देखते हुए निराश ग्रामीणों ने श्रमदान से 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी। स्थानीय लोग की माने तो यहाँ सालों से सड़क की समस्या है। गाँव से मुख्य पथ तक जाने के लिए उन्हें पगडंडी का सहारा लेना पड़ता था। कई बार स्थानीय विधायक और सांसद के गांव और मुख्य पथ के बीच सड़क निर्माण कराने की गुहार लगाई गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने श्रमदान से 3 लाख रुपए इकट्ठा किए थे और मिट्टी और ईंट डालकर सड़क का निर्माण करवाया है। कोविड-19 के इस माहौल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी लोगों से धैर्य रखने की कही बात। बिहार में कोविड-19 के मामले बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनता दिखाई दे रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कोविड-19 के बिगड़ते हालात के बीच आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, जिसके तहत सरकार की तरफ से जारी किए गए इंतजामों की समीक्षा भी की गई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी लोगों से धैर्य और संयम के साथ काम करने की भी अपील की है, साथ ही सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का भी आग्रह किया है। पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। जा प्रमुख पप्पू यादव ने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया है, जिसके तहत उन्होंने बिहार में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कहा है कि संक्रमण के इस माहौल में सीएम ने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। बिहार कोविड-19 के साथ साथ बाढ़ की परेशानी भी झेल रहा है। लोगों को मास्क और साबुन तक नहीं दिया गया, सरकार केवल कागजों पर जनता का ध्यान रख रही है। ऐसे में बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ ने भी दस्तक दे दी है। बांध टूटने की कगार पर है, मगर सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए कीर्ति सैनन ने लिखा इमोशनल पोस्ट। सुशांत सिंह राजपूत और कीर्ति सैनन काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वहीं अब कीर्ति सैनन ने सुशांत सिंह राजपूत के जाने के 1 महीने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है और इस पोस्ट के अंदर इन्होंने कविता के जरिए अपने दिल की बात बयां की है, जिसमें उन्होंने लिखा कि और एक झूठी हंसी के बीच वो आगे बढ़ने का दिखावा करता है। उसकी आंखों से वास्तविकता के आंसू बहते हैं और उसके सभी भ्रम को तोड़ता है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभिनेत्री कीर्ति सैनन ने यह पोस्ट सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए लिखा है। एमएस धोनी का नया वीडियो सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान भले ही क्रिकेट के मैदान से दूर चल रहे हो, मगर सोशल मीडिया पर आए दिन नजर आ जाते हैं। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जिसकी वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। धोनी का यह वीडियो IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने लिखा है कि बेहद ही जरूरी है सकारात्मकता। इस वीडियो में महेंद्र सिंह धोनी का एक अलग अंदाज नजर आ रहा है। वहीं किसी के साथ वीडियो कॉलिंग पर बातचीत कर रहे हैं और उनके बाल काफी लंबे नजर आ रहे हैं, मगर वो बहुत ज्यादा हंस रहे हैं। जूम से मुकाबला करने के लिए फेसबुक ने जारी की अपनी नई फीचर। फेसबुक वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म जूम को कड़ी टक्कर देने के लिए नया फीचर लेकर आ रहा है। मैसेंजर में एक ऐसा नया फीचर एड ऑन किया जा रहा है जो जूम वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म से मिलता जुलता है। अब मैसेंजर में भी वीडियो कॉलिंग के दौरान आप स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। इस फीचर को एंड्रॉइड और iOS के मैसेंजर ऐप में फिलहाल एड ऑन कर दिया गया है। इसके तहत ग्रुप वीडियो कॉल या फिर एक और एक वीडियो कॉल के दौरान आप एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर भी कर सकेंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है सद्दाम हुसैन, राजू मंसूरी, नंदनी कुमारी, अजीत कुमार, अभिषेक कुमार, रोशन कुमार, किरण कुमारी, संजीत कुमार, पंकज सैनी, सुनील कुमार सिंह, भूदेव कुमार, राकेश कुमार, पिंटू कुमार, सोनू यादव सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 के बेलगाम बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाया जाना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।